श्री हर गोबिंद शुभ सुमत प्रकाशक श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी गुरु हर कृष्ण मनाए बहु गुरु तेग बहादुर परम कृपाला वाहिगुरु परम कृपाला श्री गुरु गोबिंद सिंह बिसाला तरों तरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा बंदो बार बार जगदीशा जिस मह अमृत ज्ञान है माणक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदो कर अनुराग सतगुर मम बेरी कटहो निज बेरी परचार एह बेरी होए भव सफल बिन बेरी कर पार एक अंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह बिघन विनाशन सोए सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी हाथ जोर कर गिरा उचारी चढ़हो आप नह करहो अवारी हाथ जोर कर गिरा उचारी सच्चे पातशाह गरीब नवाज दीन दुनिया दे मालक चबर छतर तखत दे मालक समरथ गुरु परतख गुरु दीन दयाल कृपाल अंतरयामी पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर वाहिगुरु अकाल पुरख जी दे सरगुण स्वरूप दासां गरीबां सिखां सेवकां सबना दी इज्जत पत रखण वाले दया करन वाले रहमतां बख्शिशां करन वाले सरण पयां दी लाज रखण वाले धन धन सच्चे पातशाह गरीब नवाज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज 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 सतगुरु जी ने कृपा की बख्शिश की आपां सारिआं नूं अपनी हाजरी विच बैठण दा संगत करन दा दर्शन करन दा सुभाग भरिया समां गुरू जी ने बख्शिश कीता सारिआं संगतां प्यार नाल दोवें हथ जोड़ के गज के फतेह बुलाओ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह रसना नूं पवित्र करो प्यार नाल कहो जी धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज शांति त्याग बैराग दी मूर्त महान सतगुरु धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की पवित्र कथा आप जी संगत बड़े ही प्यार दे नाल हर रोज़ सरवण कर रहे हो सतसंग जी श्री गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह जी किवें फिर बल्ले तो चल के मुड़ बकाला साहिब पहुँचे वो कथा कल दे प्रसंग विच आप जी ने सरवण की मक्खण शाह लंबे समय तो महाराज जी के चरणों में हाजिर है गुरु साहब जी की सेवा में हाजिर है मक्खण शाह बिना नागा ही आ के गुरु जी के चरणों में हाजिर हुंदा जी तंबू में रहिंदा सी कोई रहायश का प्रबंध नहीं सी हैगा उन्हां समयां दे विच इन्नी दूरों आना फिर आ के दर्शन करने ते लम्मा लम्मा समा तंबूआं दे विच रहना यह बड़ी खेचल का काम सीगा जी हुण ते असी किसे भी गुरु घर जाइए जाना भी बड़ा सौखा
ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਭਾਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਅਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਟੈਚ ਬਾਥਰੂਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਮਸਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਨਹਾਉਣਾ ਧੋਣਾ 100 ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਬੜੀ ਜੀ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, 26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਚਿੱਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ 7 ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਵੀ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹ 7 ਵਚਨ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਬਣਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਵਚਨ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ 7 ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜੀ। ਵਸਤੂਆਂ ਘਰ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 500 ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਜੋੜੋ। ਕਹੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਚੜ੍ਹੋ ਆਪ ਨਹਿ ਕਰਹੋ ਅਵਾਰੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਲੰਮਾ, ਹੁਣ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਲਤਾ ਤਰਨੀ ਪਰ ਚੜ੍ਹ ਤਰਨੀ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦਰਿਆ ਆਪਾਂ ਬੇੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, 2 ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕੁਛ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ, ਇੱਕ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਲਹੇ ਆਏ ਸਭ ਵਸਤ ਸੰਭਾਰਨੀ, ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਹੇ ਆਏ ਸਭ ਵਸਤ ਸੰਭਾਰਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਕੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸੱਜੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚੰਦ ਕਹਿ ਬੜਵਾ ਮੰਗਵਾਏ ਬਿਲੰਦ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹੋ ਹੀ ਘੋੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪੂਰਬਲੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਘੋੜੀ ਮੰਗਵਾਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਜਤ ਜੀਨ ਜੁਤਲੇ ਕਰ ਆਵਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ, ਜੀਨ ਹੁੰਦਾ ਕੱਪੜਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾਈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਗੇ ਖਰੋ ਦਾਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਵਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਉਹ ਘੋੜੀ ਸਜਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਜੀ।
ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਉਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਜਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਤਬਹੇ ਮਨਾਏ, ਉੱਠ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰਾਏ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੱਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਿਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ। ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਠੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇ ਮੱਖਣ ਕੋ ਆਪਣੇ ਸੰਗ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰ ਰਿਹਾ। ਚੜੇ ਤੁਰੰਗਨ ਪਰ ਸੁਭ ਰੰਗ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਸਫੇਦ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਕਥਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸੱਜ ਗਏ। ਦਾਸ ਛੋਰ ਤਬ ਗਹਾਈ, ਮਾਰਗ ਗਮਨ ਕੀਨ ਅਗਵਾਈ। ਦਾਸ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਬਾਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਗਾਮ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਛੇ ਮੱਖਣ ਚੜ ਕਰ ਪਿਆਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਗ ਕਿਤਕ ਅਸਵਾਰ ਸੁਜਾਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਅਸਵਾਰ। ਵੇਖੋ 500 ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਨ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ। 26 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਰੱਖੇ ਜੀ, ਨਿਰੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹੇ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੂਬ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਇਕੱਲਾ ਫਿਰ ਭਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾਏ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੋਰ ਰਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਮਹਿਰੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਕੋ ਭਰਾਤਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਜੀ। ਨਾਮ ਕਿਰਪਾਲ ਤਸੀ ਕੋ ਅਹਿਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਸੋ ਤੁਰੰਗ ਪਰ ਹੋਵੇ ਅਸਵਾਰ, ਉਹ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ। ਕੀਨਸ ਤਿਆਰੀ ਗੁਰ ਕੀ ਲਾਰ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸਤਸੰਗਤ ਦੀ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ, ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ। ਵੇਖੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਸਤ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਤੁਰ ਪਏ ਜੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਡੇਰੇ ਲਾਉਣੇ ਜੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਪਰ ਦਾਸ ਕੇਤਕ ਸੰਗ ਹੋਏ, ਕੇਤਕ ਵਸਤ ਸੰਭਾਰਤ ਜੋਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਦਾਸ ਨਾਲ ਨੇ
ਅਤੇ ਕਈ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ 26 ਸਾਲ ਰਹੇ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਸਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਾਲੇ, ਪਰਿਓ ਬਹੀਰ ਦਾਸ ਬਹੁ ਨਾਲੇ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੀਰ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉੱਥੇ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਆਗੈ ਇੱਕ ਪਾਛੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਅਜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਗਮਨੇ ਇਮ ਉਰ ਸੋਕ ਉਪਾਏ, ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਦਾਸ ਨੇ ਅਤੇ ਬਕਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਉਦਾਸ ਨੇ ਜੀ, ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਚੱਲੇ ਹਨ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਬਸ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਾਕੀ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਉਦਾਸ ਨੇ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਕਾਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਚੱਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਗੁਰਤਾ ਗਾਦੀ, ਭਈ ਬਿਦਤ ਸਿੱਖਿਆਨ ਅਹਿਲਾਦੀ। ਹੁਣ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਾਂ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਵੈਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਵੈਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਦਾ ਹੀ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਲਾ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੌਮ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਕਾਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਆ ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਵਸਾਇਆ ਜੀ, ਕੌਮ ਦਾ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਗਿਣਤੀ ਮਹਿਦਾਸ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਬੜੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਗਿਣਦੇ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਫੁਰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗਮਨੇ ਸੰਗ ਸੋ ਹਿਰਦੇ ਉਦਾਸ, ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬਕਾਲਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਦਾਸ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚੱਲੇ, ਆਖੋ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੱਖਣ ਸੰਗ ਸੁਪਟ ਗਨ ਭੱਲੇ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਫੌਜਾਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਛ ਮੱਗ ਉਲੰਘਤ ਪਹੁੰਚੇ ਆਏ, ਕੁਝ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਦੀ ਬਿਪਾਸਾ ਚੱਲ ਜਿਸ ਥਾਂ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੀ ਸਹਿਜੇ ਔਰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਰਨੀ ਪਰ ਚੜ ਕੇ ਤੱਟ ਪਾਰ, ਹੀਰੀ ਚੱਲ ਹੈ ਬਿਮਲ ਬਹੁ ਬਾਰ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇੜੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਦਰਿਆ ਦਾ ਜਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਔਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨੌਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਟ ਕੋ ਆਈ, ਹੁਣ ਅਜੇ ਕੋਈ ਬੇੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਜੀ,
महाराज जी बेड़ी नू उड़ीक रहे है भी कोई बेड़ी वाला आवे जी। इम बेलोक ठांडे तिस थाई, बेड़ी नू उड़ीक दे कर होन करके सच्चे पातशाह गरीब नवाज उत्थे खलोते ने ते उड़ीक रहे है सच्चे पातशाह। दरिया दे कंडे खलो गए महाराज उतर के घोड़े तो। साथ पाछलो आवत चाला, करत बलोकन खरे किरपाला। महाराज जी खलो गए ते पिछों बहुत सारे सिख आई जा रहे हैं, बकाले दे भी बड़े सिख आ रहे हैं, जिन्हां ने गुरु साहब दे नाल जाना वो भी बड़े सिख साथ संगत जी उत्थे पहुँच रहे हैं। हाँ जी, दोहरा ठांडे तरी प्रतीखते पिखत पाछलो साथ। हुण दो काम महाराज कर रहे ने, खलोते हैं पर काम दो है। एक तो बेड़ी का इंतजार कर रहे है, एक गुरसिखा का भी महाराज इंतजार कर रहे भी पिछले गुरसिख सारे आ ही जाण फिर दरिया पार करिए। हाँ जी, आए मिल हैं इकट्ठले सकल उलंघन को चहनाथ। आए मिल हैं इकट्ठे सकल उलंघन को चहनाथ। सच्चे पातशाह गरीब नवाज चाहते है भी सारे आ जाण ते कठे ही दरिया नू पार कर गए जी। वेखो ये ते बारी गल है, गुरु साहब ते संसार रूपी दरिया समुंदर तो भी पार करन वाले हन सानू। आखो श्री वाहे गुरु। संसार रूपी समुंदर तो पार करन वाले ने, मोह रूपी दरिया तो पार करन वाले ने, काम रूपी दरिया तो पार करन वाले ने। सतगुरु दी वड्डी वड्याई है ते महाराज चाहते भी सारे आ ही जाण ते फिर पार करिए। हाँ जी, चौपाई अलप वस्त कुछ सदन मझारी, तीर मालको दीन ससारी। घर दियां ते थोड़ियां ही वस्तुआं सी, बहुत सारियां वस्तुआं महाराज ने तीर मल नूं वैसे ही दे दित्तियां भी छड आओ दे दिओ। सात संगत जी, जे कोई चीज़ लै के खुश होवे तो उहनूं दे देनी चाहीदी है भी रख ला भरावा तू खुश हो जा। महाराज जी ने बहुत सारिया वस्तुआं अपने घर दियाँ सहज सुभाई उन्होंने पहले ही दे दित्तियां सन। हाँ, लंघ तुरंगन पार धर सो लियाए, सने सने गुर टिग चल आए। सो लंघ तुरंगन पार धर सो लियाए, जिन्हों आप खचरा कहने, खचरा दे उत्ते समान लद के सात संगत जी उत्थे लै आंदे, सहजे सहजे सारा ही समान गुरु साहब तक पहुँच गया। हाँ जी, कीतक सिख फकीर कतेक। कुछ तो सिख महाराज के नाल सीगे, कुछ फकीर भी महाराज के नाल सीगे। सात संगत जी, महाराज का बड़ा प्रताप वध जाना गुरु तेग बहादुर साहब जी का। जेडे रब के रस्ते ते तुरन वाले फकीर सन ना जी, दो चार पांच कट्ठे होए महाराज को आए, वो कहिंदे हुण असीं छड्ड के ही नहीं जाना किते। इतिहास है भी सहजे सहजे 500 फकीरां दी जमात सच्चे पातशाह जी दे कोल ही रहिंदी हुंदी सी सात संगत जी। 500 फकीर वैसे ही नाल रहिंदा सी महाराज दे। सहजे सहजे इन्नी गिणती वध गई सी। सो महाराज जी दे नाल कुछ फकीर ने, कुछ गुरु जी दे नाल गुरु जी दे सिख हन। हाँ, मिल संगी पे जलद बबेक। संगी भी आ के ज्ञान दे सागर धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी नूं मिले। हाँ, आए आए गुर टिग होए ठाडे। सारे आ के ते सतगुरु जी दे लागे लागे खलोई जांदे, क्यों दरिया जू पार करना जी। हाँ जी, शरधालू प्रेमी मन गाडे। शरधा वाले है और इन्हां दा मन जिहड़ा है ना वो प्रेम दे विच गड्डिया होया गड्डिया। आखो वाहेगुरु वाहेगुरु। जिवें कोई वस्तु किसी चीज़ च गड्डी जांदी है, धरती च गड्डी जांदी है, हिलदी नहीं है, इन्हां दा मन सतगुरां दे प्यार विच गड्डिया पिया जी, मन नहीं हिलन दिया जी। किड्डी वड्डी गल है, जिधर सतगुरु जी जाणगे उधर असीं वी नाल ही जाणा। इतने है मैं सिख सो चल आयो। इन्ने चिर नू बाकी सारे कट्ठे हो गए, इन्ने चिर नू एक सिख आया जी।
हाँ जी गुरु ग्रंथ जिन सीस उठायो उस सिख ने अपने सीस दे उत्ते तानु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का स्वरूप रखिया होया सीगा जी। किवें छोटा पीड़ा सीगा उस पीड़े उत्ते स्वरूप सी ते उत्तों कमर कसा कीता सीगा जी। उन्हें महाराज का स्वरूप अपने सीस ते रखिया सीगा। देखत गुर अर सिख तिस ओर महाराज गरीब नवाज दरिया के कंडे दे उत्ते खलोते ते गुरु साहब ने देखिया भी ये सिख दे सिर दे उत्ते की है। हाँ जी बंधन करी सकल कर जोर साध संगत जी जदों वेख्या नेड़े हो के भी ये तो ग्रंथ साहब जी का स्वरूप है। सारे सिखा ने समेत गुरु तेग बहादुर साहब सारिया ने हाथ जोड़ के मत्था टेकिया जी। वेखो गुरु ग्रंथ साहब गुरु नानक साहब ने सानू अपने गुरु दिते जी अपने गुरु। एक गुरु नानक साहब के भी गुरु ने एक गुरु तेग बहादुर साहब के भी गुरु ने बाणी गुरु गुरु है बाणी गुरु है बाणी। महाराज सच्चे पातशाह जी ने नमस्कार की गुरसिखा ने मत्था टेकिया तेग बहादुर गुरु बखाने ते धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी ने बचन किया कौन ग्रंथ साहिब एह आने ओ। महाराज कहन लगे ग्रंथ साहब जी का स्वरूप कौन लैके आया इत्थे। हाँ कितले जाए अहे किस पास ते किधर लैके चले थे किधर लैके चले हो स्वरूप। ये महाराज कहन लगे भी इस गल दे बारे सानू दसो। हाँ जी बूझो इसको करो प्रकाश सानू सारी गल दसो भी स्वरूप कौन लैके आया किधर लैके चले हो। हाँ जी तब किरपाल गुजरी को प्रात सर्ब सुनाए बनियो सो बिरतांत। हुण उस समय धन गुरु तेग बहादुर साहब जी दे कोल सब तो नेड़े मामा कृपाल चंद जी खलोते सन जी। मामा कृपाल चंद जी चलो मुख ते चढ़िया मामा कृपाल चंद जी ते कृपाल चंद जी सच्चे पातशाह जी नूं सारी गल सुणाउंदे जी फिर जी। हाँ जी श्री गुरु अर्जन प्रथम लिखायो तीर माल सो छल कर पायो। सच्चे पातशाह महाराज ये वह स्वरूप है जो आप जी दे दादा सतगुरु जी ने महाराज लिखाया धन गुरु अर्जन देव जी महाराज। और तीर माल ने महाराज धोखे दे नाल लुकाया होया सीगा। डेरा लूट लीन जब सारे तब ते आयो हो सदन हमारे ते जदों महाराज मक्खन शाह दे बंदियां ने उरा डेरा लुट लिया सी ना तीर मल दा महाराज उदों दा इह रूप फिर उरों दा साडे घर विच आ गया। हाँ जी महा महात्म है इस केरा जिस ते दर्शन पुन कनेरा। महाराज जी सच्चे पातशाह महाराज इस स्वरूप का तो महात्म ही बड़ा वड्डा सच्चे पातशाह महाराज इस स्वरूप के दर्शन करके तो पुन बड़े वधदे है। हाँ जी रावर बडन बनायो यही नाले आप जी दे वड्डियां ने महाराज बनाया वड्डियां की किरत है। हाँ इस टिग होए पूजा बहुले ही ते महाराज इन्हां दी तां पूजा ही बहुत हुंदी है इन्हां दा सत्कार ही बहुत है। हाँ जी इस कर सर्ब संगता आवे दरसे अनक अकोर चढ़ावे ते महाराज संगता इन्हां दे दर्शन करन वास्ते आउंदियां ने कई पेटावां इन्हां दे अगे चढ़ाउंदियां ने। हाँ जी जाते आप निकट अब रहें इस करके तीर मल ने यह सरूप अपने कोल रखिया सी भी मेरे कोल पेटावां आउंदियां रहन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पूजा होवे ते छका मैं ते सच्चे पातशाह हुण इह स्वरूप आप जी दे पास ही रहेगा। हाँ जी अपर थान के उचित ना है महाराज किसे होर दे कोल इह स्वरूप रवे महाराज ये गल योग नहीं है
ये आप जी का आप जी की वस्तु है महाराज। हाँ जी सुन श्री तेग बहादुर कहो आखो सारे धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज। महाराज त्याग की मूर्त सच्चे पातशाह जिन्हां ने कुछ भी नहीं रखिया सारा कुछ ही तीर मल नूं दिता सीगा। जदों किरपाल चंद जी ने कहा ना महाराज ये सरूप वो है धीर मल ने धक्के ना रखे सन और महाराज ये ते माया चढ़दी है धीर मल ने तां सरूप रखे सन हुण आप जी दे कोल रहणगे ते सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज बड़े सहजे जे बचन करन लगे। हमारे संग कौन बिदरहयो किन एह राख साथ निज आनेओ। महाराज कहन लगे ये स्वरूप साढ़े कोल किवें रह गया किन्ने इत्थे लियांदा। महाराज कहिंदे इन्हें किन्ने इत्थे स्वरूप रखिया सीगा घर विच। हाँ जी फिर न कहियो नहीं सो मान्यो असी वचन कीता सी भी स्वरूप वापस कर दिओ सब कुछ वापस कर दिओ ते सब कुछ विच स्वरूप भी आउंदा सी। महाराज कहन लगे तुसा बचन क्यों नहीं मन्या साडा बचन क्यों नहीं मन्या सरूप नू मोड़िया क्यों नहीं वापस। हाँ जी तीर मल के निकट कदी को अब भी देबो बन है तिसी को। महाराज कहन लगे कदी ये तीर मल कोल सी इस करके असी हुण भी इहनू तीर मल नू ही दे देना है। आखो वाहे गुरु तीर मल नू ही दे देना है। हाँ जी छीन लेन एह उचित ना हमें। महाराज कहिंदे सानू चंगा लगता है भी असी किसी की वस्तु खो लीए कहन लगे हुण ये तो गुरु साहब का बिरद है ना। वेखो गुरु साहब का सुभा होर है सिख का सुभा होर है। महाराज कहिंदे चंगा लगता है सानू भी आप किसी की वस्तु खो लीए। हाँ हृदय बसूर है दुख सब समय। महाराज कहन लगे वो हर समय दुखी रह रहा होएगा तीर मल चिंता विच रह रहा होएगा झूरदा होएगा भी मेरे नूं स्वरूप नहीं दिता। हाँ जी तब है कृपाल सुनावन कीन। महाराज कहन लगे स्वरूप किन्ने वापस नहीं किया ते कृपाल चंद जी होनी हाथ जोड़े ते सतगुरु गरीब नवाज जी नूं बेनती करन लगे। हाँ मक्खन अर माता नह दीन। सच्चे पातशाह महाराज मक्खन शाह ते माता जी ने नहीं इस रूप दिता। आखो वाहेगुरु वाहेगुरु। महाराज स्वरूप रखण दी उन्हां दी सलाह है। हाँ जी हो तो पिता मेरा वर केरा महाराज आप जी दे दादा जी दा है श्री गुरु अर्जन देव जी दा। हाँ जी जिन्हो ग्रंथ जी कीन बडेरा। महाराज वड्डा ग्रंथ साहब उन्होंने आप लिखवाया जाते वस्त आप की यह जो गुर गादी पर सोलह। इस करके ये आप जी दा है महाराज जेड़ा गुरता गद्दी ते बैठे स्वरूप ओदा हुंदा सच्चे पातशाह। हाँ जी एम विचार कर दियो ना माता। ये विचार करके माता जी ने स्वरूप नहीं दिता तीर मल नू। हाँ जी उचित विचार ले हो सुखदाता। हे सुखदाई सतगुरु जी महाराज इन्नी गल है माता जी ने कहा भी ये गुरु साहब दे दादा जी ने रचिया है ते गुरु साहब हुण गुरु ने ते उन्हां कोल चाहीदा है। हाँ जी आतश दुर्लभ वस्त अजायब। महाराज ये दुर्लभ ने आखो श्री वाहे गुरु ये दुर्लभ ने। उस समय तो दूजा स्वरूप ही कोई नहीं सी साध संगत बहुत घट एक स्वरूप लिखाया सी बाबा बिधी चंद साहब जी ने पर वो बिलावल राग तक सीगा जी। महाराज बहुत दुर्लभ है अजायब है। एह नह देन बनहे गुर साहिब। गरीब नवाज कृपा करो ते वापस ना दईए कृपाल चंद जी भी कहन लग पे। हाँ जी इतने बिखे नानकी आई। अजय कृपाल चंद जी महाराज नू बेनती कर ही रहे सी इन चिर नू माता नानकी जी उत्थे आ गए जी। सुंदर सुयंदन पर सुखदाई। माता जी रथ दे उत्ते चढ़े सीगे जी बड़े सोहने रथ ते चढ़े सन माता जी आ गए जी। हाँ
गुजरी संग चढ़ी सुभ डोरे ते माता गुजरी जी एक डोले दे विच बैठे हुए सीगे जी। हाँ जी झालर जरीदार चौह ओरे जिन्हों बड़ी झालर लगी सी वो डोली बंद सी पढ़ते सन अगे जी। हाँ जी निकट आए सुत के बच सुने हठ कर रहे हेर सिर तुने ते माता जी जदों लागे आए ना ते माता जी पता की महसूस किया माता जी नूं पता लग गया सिखां दसता माता जी महाराज कहिंदे सरूप वापस दे के आओ। ते जदों माता जी ने यह गल सुनी हठ कर रहे हेर सिर तुने भी महाराज बचन करन दे आ भी सरूप दे के आओ ते माता जी सिर मार दे भी नहीं देना किसी का जी नहीं सी सत्संग जी। हाँ जी शत्रु को है त चाहत रह माता जी ये सोचते भी वो साढ़े शत्रु ने ये शत्रुआ का भी भला करी जाते हैं दुश्मनों का भी भला करी जाते हैं। हाँ जी प्राण हान लग खोटे अह भी उन्होंने तो कितों तक यतन किया गोली तक मारी प्राण कढ़न की जान जान कढ़न के यतन किए उन्होंने। हाँ जी कहां कहां लग बहु समझाए हाँ जी सरल सुभाव ना कुछ लग पाए कितों तक माता जी मन च सोचते भी इन्हों समझाइए ये बड़े सरल सुभा दे है बड़ी शांति वाले है कितों तक समझाइए माता जी का वस नहीं ना चलता जी। हाँ जी सिख्या न संग गुरु पुन कहो हाँ जी धीर मालको हम यह लहो सिख्या न संग गुरु पुन कहो धीर मालको यह हम लहो आखो वाहेगुरु वाहेगुरु सच्चे पातशाह गरीब नवाज महाराज फिर बचन कर दे सिखा नू महाराज कहिंदे सिखो इस रूप धीर मल दा ही है साडा नहीं है। हाँ जी को अब गमन हो लेकर जावो कोई सिख उठो इस रूप करतारपुर तीर मल को छड़ के आओ। हाँ जी सौंपो जाए तिसी को पाहो ए ओदी सौंपना है उन्हों जाके सौंप दियो। हाँ जी हमरे संग न राखन करो हाँ जी श्री करतारपुरे ले तरो ए साडे नाल नहीं सरूप रह सकता करतारपुर दे आओ गद के आखो वाहे गुरु सत्संग जी ये विच भी गुरु जी की बहुत दूर दृष्टि है मेरे सतगुरु जी की एवें नहीं महाराज कह रहे भी सरूप दे आओ महाराज जी की लंबी दृष्टि है सुनने विच लगता होर इन्नी दुर्लभ वस्तु श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सरूप वह भी इको ही जिन्ह के बाबा बुढ़ा जी ने प्रकाश किए तो महाराज अपने कोल रखण सगों महाराज क्यों दे रहे हैं तीर मल नूं पर इहदा एक बड़ा वड्डा कारण है महाराज नूं पता है भी असी आनंदपुर साहब वसाउणा है तो समय के नाल उत्थे साका भी वरतना तो समय के नाल उत्थे लुट्टां खोहां भी होणियां ने ते जदों लुट्टां खोवां होईयां ते सरूप दा की बनेगा जे धीरमल जी को सरूप रहेगा तो सुरक्षित रहेगा ये दूर दृष्टि है सच्चे पातशाह जी दी हुण वेखो जदों महाराज दसवें पातशाह ने आनंदपुर साहब छड्डिया ते नौ मण रचना सी सच्चे पातशाह जी दी जिहड़ी सरसा विच बह गई साध संगत जी नौ मण रचना सी ग्रंथां दा भार सी नौ मण जिहड़ा सरसां विच ही बह गया ते तुसीं अंदाजा लाओ भी जे महाराज दा सरूप हुंदा ते सरूप भी बह जाणा सी। इह महाराज गुरु तेग बहादुर साहिब दी बड़ी वड्डी दूरदृष्टि है अज तक उह सरूप करतारपुर साहिब विच सुभायमान है अज तक साध संगत जी। सो महाराज कहन लगे उठो करतारपुर साहब दे के आओ सरूप। हाँ जी सुन सिख्या न सब जोड़े हाथ पर हुण सुख सुन के ना महाराज का बचन सारे सिखा ने ही हाथ जोड़ ले आप जी भी जोड़ो आखो वाहेगुरु वाहेगुरु सब सिखा ने हाथ जोड़ ले
ते सारे ही महाराज नू बेनती करन लगे। होए नम्र बोले गुर साध। बड़ी निम्रता दे नाल सच्चे पातशाह महाराज जी नू गुरु दे सिख बेनती करदे हन। हां तीर मल तन मन ते खोटा, तिसके देखन ते बहु टोटा। सच्चे पातशाह महाराज स्वरूप देण वास्ते सानू तीर मल दे कोल जाना पैना है। ते महाराज धीर मल जिहड़ा है ना, वह तनों भी खोटा तो मनों भी खोटा है। ते महाराज धीर मल दे ते मत्थे ही लगना बड़ा वड्डा घाटा है। सच्चे पातशाह सिख उहदे मत्थे लगे भी किवें जिन्हें गुरु की बेद भी की हो साध संगत जी, प्यार वाले सिख तो उन्होंने मत्थे नहीं लगते जी। हाँ जी, गुर निंदक बड पाप कमाए। महाराज वो निंदक है गुरु घर का, बड़ा वड्डा पाप किया। सच्चे पातशाह कह कर तुम पर तुपक चलाए। महाराज वो कहण उत्ते उन्हां तुहाडे ते गोली चलाई। सच्चे पातशाह हाँ जी, कर है सदा दुष्टन की संगत। महाराज धीर मल सदा दुष्ट बंदियां दी संगत करदा, दुष्ट बंदियां दी। उत्तम जन तिसकी नह पंगत। महाराज उहदे कोल कोई भी चज दा बंदा नहीं हैगा जिहड़ा उहनूं समझावे। हाँ जी, हम तिसकी दिस मुख नह करें। हाँ, मिलबे की बाछा नह धरें। वेखो गुरु के सिख धीर मल दे उत्ते किन्ने नाराज होणगे। उह गुरु जी दा हुक्म है फिर भी महाराज नूं कहिंदे सच्चे पातशाह ही धीर मल दे मत्थे नहीं लगना चाहुंदे। महाराज अहीं उहदे अल मुख नहीं करना चाहुंदे, असीं उहनूं मिलना नहीं चाहुंदे। हाँ जी, रावर को अपराधी भारो, हम बलोक नह सके सहारो। महाराज वो आप जी का वड्डा अपराधी है सच्चे पातशाह, असीं उहनूं वेख ही नहीं सकते। महाराज वो साढ़े सामने आवे अहीं जर नहीं सकते। प्यार है जी सिखां दा। और एक होर गल है भी सिख ना कर देन ते महाराज सरूप नाल ही लै चलण, पर महाराज जानदे भी कीड़ी वस्तु किथे रखनी है। हाँ जी, सुन गुर सब सिखन की बिनती, मन नह गिनत रहे गन गिनती। हुण गुरु साहब सारे सिखां दी बेनती एकदम सुनी, कोई सिख जाण नूं तैयार ही नहीं। करतारपुर साहब सारे कहिंदे महाराज असीं नहीं जाणा उहदे कोल, महाराज अहीं उहदे मत्थे नहीं लगना। इस गल तों सिखिया भी चे जिहड़ा बंदा गुरु की निंदिया करे उहदे मत्थे नहीं लगना चाहीदा। आखो श्री वाहेगुरु। जिहड़ा साडे गुरां की निंदिया करे, साडे मालक की निंदिया करे, साडे गुरु नूं माड़ा आके असीं उहनूं मिल के की करना साध संगत जी? दसो साडा उहदे नाल की संबंध हैगा जी? अज कल बड़े इहो जे यूट्यूब ते भी बोलते है, गुरु घरां च कथा भी करी जांदे है, जिहड़े सतगुरां की निंदिया करी जांदे जी। ऐसे पुरशां नूं भुल के भी नहीं सुनना, शरदा खराब हो जाती है। हर एक बंदे नूं जे चंगा बंदा है उहनूं वेखण नाल तुहाडे पुन्न वधणगे, ते जे उहदा हिरदा शुद्ध नहीं हैगा ते उहनूं मिलण नाल पुन्न घट भी सकदे है, पुन्न घट भी सकदे। इस करके आपां अरदास करदे हां, सेई प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे। महाराज आप जी का नाम चित आवे। हुण धीर मल तो धीर मल नूं मिल के गुरु तेग बहादुर साहब थोड़ी चेते होणगे किसी नूं। गुरु के सिख इन्ने ज़्यादा सावधान ने साध संगत जी, वो धीर मल दे मत्थे नहीं लगना चाहते भी उन्हें महाराज माड़ा काम किया। नहन ग्रंथ साहिब हम राखें। हुण महाराज सोचते भी सिख भी सच्चे आ, पर असी ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप भी अपने कोल नहीं रख सकते। हाँ जी, तिस ढिग पहुँचें चित अबेलाखें। गुरु साहब की फिर इच्छा है भी स्वरूप ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप धीर मल दे कोल पहुँचना चाहिए। हाँ जी, मात नानकी बरजत हेर,
ਹੇ ਸੁੱਤ ਕਿਉਂ ਹੱਠ ਕਰੋ ਵਡੇਰ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਬੜਾ ਵਰਜਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੰਜ ਸਰੂਪ ਨਾ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਕਾ ਕਰਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ, ਆਪ ਜੀ ਸਰੂਪ ਨਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਨਤ ਮਾਤ ਤੇ ਧਰ ਮੁਖ ਮੌਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਤ ਕੇ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਚਿਤਹਿ ਉਪਾਏ ਕਰਹਿ ਅਬ ਕੌਣ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਰੂਪ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਬਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰੂਪ ਰਹਿਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੈ ਸਾਧਸੰਗ? ਹਾਂਜੀ। ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਤਹਿ ਜਾਏ ਨਾ ਕੋਈ, ਲਖੇ ਮਹਾ ਅਪਰਾਧੀ ਸੋਈ। ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੂਪ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰਤਾ ਜਾਨ ਕੁਕਰਮਨ ਕੇਰਾ, ਨਹਿ ਚਾਹਤ ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਰਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸੱਚੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਧੀਰ ਮੱਲ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਸ ਮੁਖ ਨਹਿ ਲਾਗੇ ਹੈ, ਕਿਮ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਸ ਆਗੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਧੀਰ ਮੱਲ ਤੱਕ। ਤਰਨੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਖ ਨਾ ਕਰਤੇ, ਇਸ ਕਾਰਜ ਕੋ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਰਤੇ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੇੜੀ ਦੀ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ। ਤਬ ਨੌਕਾ ਚੱਲ ਕਰ ਢਿੱਗ ਆਈ। ਜਬ ਨੌਕਾ ਚੱਲ ਕਰ ਢਿੱਗ ਆਈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਬੇੜੀ ਆਈ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਭਏ ਅਰੂਡਣ ਤਬਹੇ ਗੁਸਾਈ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋਯੰਦਨ ਡੋਰੇ ਨਰ ਸਮੁਦਾਏ, ਮੱਖਣ ਆਦਿਕ ਤੁਰਤ ਕਢਾਏ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਸੋਯੰਦਨ ਰੱਥ ਡੋਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੜਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ ਤਰੀ ਮਜਾਰ, ਸੁਭ ਥਲ ਪਿਖ ਕਰ ਤਰਿਓ ਸੁਧਾਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੋਹਣੀ ਥਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰਨ ਧਾਰ ਤਬ ਪ੍ਰੇਰਨ ਕਰੀ, ਮਲਾਹ ਨੇ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਨੀਰ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੀਘਰ ਚੱਲ ਤਰੀ, ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬੇੜੀ ਡੂੰਘੇ ਥਾਂ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰਲੇ ਤੀਰ ਗਈ ਤਤਕਾਲਾ, ਤੇ ਬਿਆਸ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਉੱਤਰ ਪਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਬੇੜੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਤਰੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰੇ ਕੋ, ਉਤਰਿਓ ਗੁਰੂ ਕੈ ਸੰਗ ਉਰੇ ਕੋ। ਉੱਧਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬੂਝਨ ਕੀਨੋ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨਾ, ਮੈਂ ਤਿਸ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੇ ਉਹ ਕਾਜ ਹਮ ਕੀਜੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਏਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਧੀਰ ਮੱਲ ਦੀਜੈ, ਧੀਰ ਮੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇ ਦੇ। ਵੇਖੋ ਜਿਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਧੰਨ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਰਵੈਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਰ ਮੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੋ ਤੁਮ ਤੇ ਲਿਓ, ਸੋ ਦਰਿਆਓ ਵਿਖੇ ਧਰ ਦਿਓ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪ ਜਾਏ ਕਰ ਲਿਓ ਨਿਕਾਸ, ਤੇ ਧੀਰ ਮੱਲ ਨੂੰ ਕਹੀਂ ਕਿ ਆਪ ਆਵੇ ਤੇ ਸਰੂਪ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪੁੰਨ ਸਦੀਵ ਤੁਮ ਰੱਖੋ ਪਾਸ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਦੀਵ ਉਹ ਸਰੂਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ ਜੀ।
हुण भी उह तीर मल्लियां दे कोल ही है। हुण महाराज दा वचन हो गया ना जी भी सदा ही तुहाडे कोल रहेगा, वो हुण भी तीर मल्लियां दे कोल है। बंदे लैण जाण भी ना तां भी नहीं लै सकदे क्यों, गुरु दा वचन हो गया जी। हाँ जी, हम न है की नस अंगीकार, जाए अगारी पंथ मजार। महाराज कहिंदे उहनूं कह दिओ भी असीं सरूप नहीं रखिआ, असीं दरिया दे विच टका चलने आ, असीं अगे नूं जा रहे हाँ। हाथ जोड़त है मानव मानी, ओ सत हाथ जोड़ के कहिंदा सत बचन। हांजी, मैं पहुंचत ही करों बखानी, महाराज मैं पहुंचदिआं सारी तीर मल नूं इह खबर दे देंगा। इम समझाए गुरु गत दानी, हो तो गंभीर बेग जह पानी। आखो श्री वाहे गुरु, श्री वाहे गुरु। हुण महाराज ने दो चार गुरसिखां दी ड्यूटी लाई। महाराज कहिंदे दरिया दे विच, इस गल नूं बड़े ध्यान नाल सुणिओ हुण, दरिया दे विच जिथे डूंघा पानी है ना, हाँ जी, मंजी ते समेत जल माही, कह कर भले रखायो ताही। महाराज कहन लगे मंजी समेत थले हेठां दरिया दे विच मिट्टी विच पावे गड़ दिओ ते सरूप टका दिओ, कहन लगे। उन्हां गुरसिखां ने इसे तरह कीता जी, मंजी साहब हेठां लै गए फड़ के ते मिट्टी दे विच पावे टका दित्ते सतसंगत जी। कमर किसा कीता सी सरूप नूं जी, हुण कोई सरूप उत्ते नहीं तरन दिया, वह दरिया दे विच रख दिता जी, ब्यास दे विच रख दिता स्वरूप जी। हाँ, भले संभाल हो पो दरियाए, तुझ ते लेह तीर मल आए। ते सतगुरां ने बचन किया, महाराज कहन लगे दरिया स्वरूप नूं चंगी तरह सांभ के रखी, गेंदे धीर मल आएगा वह तेरे कोलों लै लेगा, ये अमानत है। तो महाराज बाणी च कहिंदे ना, भै विच चलै लख दरियाओ, भै विच चलै है लख दरियाओ। एक ब्यास की लखां ब्यास, लखां दरिया सतगुरां दे भै विच चलदे ने। महाराज तो डर के रेंदे है, गुरु की आग्ञा च चलते है। हाँ जी, जल गंभीर मैं जबे टिकाए, जदों वो डूंगी थान दे उत्ते स्वरूप टका दिता ना जी। हाँ जी, सकल बलोकत बहु बिसमाए, सारे सिख हैरान हो गए भी ये की कीता महाराज ने। हाँ जी, प्रथम कहत बपरी तब छाला, पहला तो वैसे ही उल्ट गल महाराज कर रहे थे। हाँ जी, रिप को चहत भलो सब काला, दुश्मन का सदा ही भला चाहते है, उन्हों स्वरूप देने की गल कर रहे हैं। हाँ जी, वस्त अमोलक रखबे लायक, जेड़ी वस्तु अमोलक है, मुल कोई नहीं, अपने पास रखनी चाहिए सी महाराज नो, दे शरीक के सदन सुभायक। वो हुण तीर मल नू महाराज ने देने का वचन करता। हाँ जी, को तह गए ना अब क्या करो, पर हुण जे उत्थे नहीं कोई गया ते महाराज ने ये की कर दिता। हाँ जी, सलता सहत बेग मह तरियो, इन्ने गंभीर ते तेज वगदे दरिया दे विच सरूप रख दिता। हाँ जी, जल मह कागद भीग है जब, बचहे ना शीघ्र जहे गर तब। ते गुरु के सिख कहन लगे ये तां थोड़े समय विच ही सरूप भिज जाना, सारा पानी है, पानी विच कागज भिज जाणगे, बचहे ना शीघ्र जाहे गर तब, गर दा मतलब गल जाणगे। सिख कहिंदे कागज गल जाने है सारे, हुण वह कागज समझदे है, पर महाराज गुरु तेग बहादुर साहब नूं पता समय नाल ये प्रगट गुरां की देह ने। हाँ जी, किम अखर साबत रह जै है, गुरु के सिख आपस में गल्लां करदे भी अखर किवें साबत रहणगे। हाँ जी, बिना पीत जिम चित्र ना पै है, जिवें कांती ना होवे तो चित्र नहीं बनता, पानी में सरूप किवें रहेगा, गल जाएगा, पानी है भिज जाएगा स्वरूप।
इत्यादिका आपस मह कह गुर महिमा कहो पेव न लह। हुण इस तरीके नाल आपस विच ओह सिख गल्लां करदे जी, पर ओह गुरु साहिब दी महिमा नहीं जाणदे भी दरिया दी की मजाल है उस रूप नूं भेंद वे जी। दरिया दी इन्नी मजाल नहीं, भावें है सरूप दरिया दे विच ही है, पर दरिया दी इन्नी जुरत नहीं हैगी। महाराज ने उन्हूं सांभण वास्ते कहा इहो ही गल है, सतगुर की महिमा सतगुर जाणै। ये काम हो नहीं सकता पर यह गुरु साहब जी की महिमा गुरु साहब जाणदे है, जिहड़ा काम नहीं भी हो सकता वह भी हो जाता है, महाराज जाणदे है। और एक दिन सरूप थोड़ी पानी च रहना, 13 दिन सरूप रहना पानी विच, तुसीं अंदाजा लाओ भी 13 दिन सरूप पानी विच रहना। आम कोई किताब है साध संगत जी उन्हों पानी च रख दियो किन्ना क चिर कढ़दी है, पर धन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दे सरूप महाराज ने दरिया विच डूंगे टका दिते, डूंगे। अगों की होएगा कल नूं आपां सरवण करांगे। सच्चे पातशाह मेहर करन जिथे आप जी सब संगत आईयां उत्थे लंडन तों सरदार जसविंदर सिंह जी बड़े प्यार नाल आके बैठे है, हाजरी भर रहे ने जी आया नूं। सच्चे पातशाह मेहर करन बख्शिश करन आव सारी संगत हुण नाम विच सुरतियां जोड़िए, महाराज कृपा करन बख्शिश करन। भाई जसविंदर सिंह जी दे सिर ते मेहरां भरिया हथ रखन, सतगुरु आप दी सिखी बख्शन। इन्हां दा कथा सुणन दा बैठण दा तरीका बहुत वधिया, उदों दे अडोल बैठे जी, अडोल बैठे जी, मेरे वर्गा करन वाला हिली जांदा जी, मैं हिली जांदा जी कथा करदे। हाँ जी, ये अडोल बह के सुन रहे ने, महाराज मेहरां करन बख्शिशां करन। हुण जपो नाम सारे, वाहे गुरु वाहे गुरु। 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 गज के वाहे गुरु वाहे गुरु। 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 वाहे गुरु वाहे गुरु।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਅੱਗੋਂ ਕਥਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।